attached to four different groups. sp3 होना चाहिए, कार्बन आपका sp3 होना चाहिए. कुछ स्टूडेंट्स अभी भी एब्सेंट. सो काइरल कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स. लाइक अगर हम लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लें, क्या वॉइस क्लियरली आ रहा है आप सभी को? वॉइस लो है क्या? वॉइस लो है या प्रॉपर है? सर थोड़ा लो है. अभी क्लियर है क्या वॉइस? वॉइस क्लियर है? यस सर. तो एक्चुअली मैं ईयरफोन यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए लो आ रहा हूँ. सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स, दैट इज कॉल्ड काइरल कार्बन. लाइक अगर हम लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लें, तो लैक्टिक एसिड में अगर हम इस कार्बन की बात करें, तो दिस कार्बन इज अटैच्ड टू फोर डिफरेंट ग्रुप लाइक CH3, HOH एंड दिस पर्टिकुलर ग्रुप COH. सो दिस कार्बन इज कॉल्ड काइरल कार्बन. ओके, लैक्टिक एसिड है वन काइरल कार्बन. ओके, सिमिलरली अदर एग्जांपल्स से हमने देखा था, सपोज इस कंपाउंड की बात करें, तो यहाँ पे आपके फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, तो दिस कार्बन सेंट्रल कार्बन इज काइरल कार्बन. अगर हम नेक्स्ट, एंड अगर किसी कंपाउंड के अंदर वन काइरल सेंटर है, वन काइरल कार्बन है, तो ऐसे मॉलिक्यूल को काइरल मॉलिक्यूल बोलते हैं. सो दिस कार्बन इज कॉल्ड काइरल कार्बन. दिस कार्बन इज कॉल्ड काइरल कार्बन. एंड अगर किसी कंपाउंड में ओनली वन काइरल सेंटर है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग काइरल मॉलिक्यूल बोलेंगे. सो दिस इज ए काइरल मॉलिक्यूल. काइरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट. दैट मीन्स फर्स्ट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है. बात समझ में आ रहा है आपको? और ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. तो फर्स्ट कंपाउंड में अगर हम देखें, तो यहाँ पे वन काइरल सेंटर है, एंड बिकॉज ऑफ दिस काइरल सेंटर दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इट इज कॉल्ड काइरल मॉलिक्यूल. सेकंड कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो क्या सेकंड कंपाउंड में काइरल सेंटर है? यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सेम है, दैट मीन्स यहाँ पे फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच नहीं. सो दिस कार्बन इज नॉट काइरल. दैट मीन्स इन द सेकंड कंपाउंड देर इज नो काइरल सेंटर. सो दिस इज अ काइरल मॉलिक्यूल. सेकंड कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे अ काइरल मॉलिक्यूल. A chiral molecule means optically inactive. Second compound is optically inactive, right? Similarly, अगर हम third compound की बात करें, तो यहाँ पे four different groups हैं, methyl, ethyl, propyl, hydrogen. So this is also chiral or optically active. And chiral center को हम लोग star से represent करते हैं, right? Fourth compound में क्या कोई chiral center है? There is no chiral center. So this is a chiral molecule or optically inactive. अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, द
दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6। ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड फंक्शनल, राइट? इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एंड दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम ग्लूकोज का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर लिखें तो ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं और 1 एल्डिहाइड ग्रुप होता है, राइट? एंड ग्लूकोज में अगर आपसे पूछे हाउ मेनी काइरल कार्बन आर देयर, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अगर हम कार्बन नंबर 2 की बात करें, कार्बन नंबर 2 से 1, 2, 3 एंड दिस कंप्लीट ग्रुप 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, सो कार्बन नंबर 2 इज काइरल, कार्बन नंबर 3 इज आल्सो काइरल, कार्बन नंबर 3 में ये लेफ्ट साइड टॉप साइड एंड बॉटम साइड ये ग्रुप लेंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं कार्बन नंबर 3 से, बताइए समझ में आ रहा है? तो कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 इज काइरल, कार्बन नंबर 6 इज नॉट काइरल बिकॉज इट इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन, सो देयर आर टोटल 4 काइरल कार्बन्स इन ग्लूकोज। ओके, नाउ अगर हम एक क्वेश्चन करें, नंबर ऑफ काइरल कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, दिस तानिश आज नहीं आया क्लास में, मैथ्स की क्लास में तानिश था क्या? संजय मैथ्स की क्लास में तानिश था क्या? नंबर ऑफ काइरल कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सो आपको काइरल कार्बन एटम फाइंड आउट करना है, डब्ल्यू में कितने होंगे बताइए, नंबर ऑफ काइरल सेंटर्स, फर्स्ट हाउ मेनी काइरल कार्बन आर देयर। अगर यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ से एक हिडन हाइड्रोजन है, राइट, बात समझ में आ रहे? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 CH3 1 हिडन हाइड्रोजन, एंड इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये तो आपके डिफरेंट हो गए। अब यहाँ पर रिंग में क्या करते हैं, ये कार्बन अगर हम देखें तो इस कार्बन का एनवायरनमेंट और इस कार्बन का एनवायरनमेंट क्या सेम है? नहीं, ये आपका 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो एनवायरनमेंट अलग अलग है, दैट मीन्स ये आपका कार्बन क्या हो जाएगा, काइरल हो जाएगा, बस समझ में आ रहा है? दिस कार्बन इज काइरल, ओके, इज इट क्लियर? नाउ अब अगर हम यहाँ पे इस कार्बन की बात करें, क्या ये काइरल है? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हिडन हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, हमें 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए, तो क्या इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है? नहीं, ये काइरल नहीं होगा, दिस नहीं, CH2 नहीं होते दिस नहीं। अब यहाँ पे सेंटर पे देखिए, ठीक है, जंक्शन पे काइरल मिल सकता है, जंक्शन पे बताइए क्या ये काइरल है, तो एक बार देख लेते हैं, इससे एक हिडन हाइड्रोजन है, एक हिडन हाइड्रोजन, राइट? अब यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1 पूरा कंप्लीट राउंड मानेंगे, तो ये हिडन हाइड्रोजन और ये आपका 3 डिग्री है और ये दोनों 2 डिग्री है, दैट मीन्स 3 डिग्री एंड हाइड्रोजन तो डिफरेंट है ना। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन सेम हो गया, फर्स्ट कार्बन सेम हो गया तो सेकेंड कार्बन देखेंगे, सेकेंड कार्बन भी सेम है, थर्ड कार्बन देखेंगे सेम है, फोर्थ एटम जब लेफ्ट साइड से जाएंगे तो फोर्थ एटम पे CH3 अटैच है, राइट साइड से आएंगे तो क्या फोर्थ एटम पे कोई ग्रुप अटैच है? नहीं, इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड डिफरेंट एनवायरनमेंट है, राइट? तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज काइरल, और काइरल को स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? सो दिस इज काइरल, दिस इज काइरल, नाउ इज दिस काइरल, नो, CH2 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 नो। नाउ यहाँ पे बताइए क्या ये काइरल है, बताइए फर्स्ट, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या हो गया आपका, डाउन साइड में क्या है आपका, इधर 3 डिग्री है, दिस इज 3 डिग्री, ये आपका 3 डिग्री है और एक आपका हाइड्रोजन हो गया। नाउ लेफ्ट साइड राइट साइड डिफरेंट ग्रुप्स हैं, राइट, और यहाँ पे आपका डिफरेंट ग्रुप है, राइट, सो दिस इज ऑल्सो काइरल, दिस इज ऑल्सो काइरल, सो हाउ मेनी काइरल कार्बन आर देयर इन दिस कंपाउंड, 3 काइरल कार्बन और 3 काइरल सेंटर, बात समझ में आ गया आपको? सेकेंड कंपाउंड में बताइए, सेकेंड कंपाउंड में कितने काइरल कार्बन है? sp2 वाले नहीं होंगे क्या, इनमें से कोई होगा? नहीं, sp2 डबल बॉन्डेड नहीं, sp3 होना चाहिए, राइट, ये तो नहीं होगा आपका, ये CH2 नहीं होगा, CH2 नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ से एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, हाइड्रोजन है, ठीक है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखिए आप, इस साइड में वन नंबर पे सेम है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में देखेंगे, 1 सेम है 2 सेम है, मतलब दोनों आपके मर्ज कर गए, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है ना, तो क्या ये काइरल है? हाउ मेनी काइरल कार्बन आर देयर इन दिस कंपाउंड, 0 काइरल, नो काइरल सेंटर, क्या इतनी बात समझ में आ रहे हैं आपको, राइट? सिमिलरली यहाँ पे देखिए वाई में बताइए,
हाउ मेनी कायरल कार्बन आर देयर इन वाई. ये मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना आप, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है राइट. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जंक्शन पे मिलेगा, देखिए ये CH2 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 तो नहीं हो सकता है, ये फोर तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि फोर डिफरेंट चाहिए हमें. अब यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन एक मिथाइल हो गया, नाउ ये दोनों तो डिफरेंट है ओके. नाउ यहाँ पे वन नंबर सेम है, टू नंबर पे जाएंगे वन टू, तो इसके टू पे देखिए मिथाइल अटैच है और इधर टू पे मिथाइल अटैच नहीं है, दैट मीन्स दिस इज काइरल एंड सिमिलरली दिस इज ऑल्सो काइरल. तो कितने काइरल हो जाएंगे, टू हो जाएंगे. बात समझ में आ रहा है आप सभी को, क्लियर. सिमिलरली जेड में बताइए हाउ मेनी काइरल कार्बन आर देयर इन कंपाउंड जेड. काइरल कार्बन फर्स्ट कार्बन अटैच टू फोर डिफरेंट ग्रुप्स. ये दोनों sp2 वाले होंगे, नहीं sp2 वाले नहीं होते, डबल बॉन्डेड नहीं होगा. इधर आपका CH2 नहीं. यहाँ पे मिथाइल देखिए, हाइड्रोजन मिथाइल डिफरेंट. और अगर यहाँ पे देखिए हम लोग इसको, हम लोग ऐसा देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन मिथाइल तो डिफरेंट हो गया. ये वाला जो कार्बन है लेफ्ट साइड में sp2 है, राइट साइड में sp3 है, क्या ये दोनों सेम इन्वायरमेंट है, नहीं. तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फोर डिफरेंट ग्रुप हो गया, तो यहाँ पे वन काइरल साइट हो गया. बात समझ में आ गई आप सभी को, क्लियर. एनी प्रॉब्लम, सर आप फर्स्ट वाले का वापस बता सकते हो? फर्स्ट वाले में क्या बताना है, कौन सा बताना है आपको? सर थर्ड वाला कायरल कैसे, थर्ड वाला मतलब वन टू थ्री इसकी बात कर रहे हो आप? यस यस सर, जिस पे थर्ड थ्री लिखा है. हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो एक हाइड्रोजन है राइट, और नीचे एक कार्बन अटैच है, तो ये दोनों तो डिफरेंट है राइट, हाइड्रोजन एंड कार्बन तो डिफरेंट है. अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में अगर आप देखोगे तो इस कार्बन से सी एच थ्री अटैच है, क्या लेफ्ट साइड में भी कार्बन से सी एच थ्री अटैच है? नहीं. तो इसका मतलब डिफरेंट इन्वायरमेंट है, लेफ्ट साइड डिफरेंट इन्वायरमेंट है, राइट साइड डिफरेंट इन्वायरमेंट है, दैट मीन्स दीज टू ग्रुप्स आर डिफरेंट. और ये तो आपका डिफरेंट ही है, एक हाइड्रोजन अटैच है. नहीं समझ में आ रहा है? यस समझा सर, समझ में आ गया ना. तो यहाँ पे थ्री टोटल होंगे आपके काइरल कार्बन. नेक्स्ट बताइए सी टू. कार्बन कैसे वो ये ट्वीट करेंगे. आपने सुबह से कुछ खाया नहीं क्या? C2 की बात कर रहे हो या C1 का सेकंड? फर्स्ट में वन टू, सेकंड कैसे हुआ ये बोल रहे हो आप? अच्छा ये कैसे कायरल हुआ, ठीक है. यहाँ पे देखिए आप, एक हाइड्रोजन है और ये दोनों तो डिफरेंट है, दिस एंड दिस, हाइड्रोजन एंड दिस इज डिफरेंट ओके. नाउ यहाँ पे आप देखिए, ये दोनों तो डिफरेंट समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन और ये कार्बन डिफरेंट. अब यहाँ पे अगर हम देखें वन नंबर CH2, वन नंबर CH2, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है, वन नंबर पे, टू नंबर पे सेम है, थ्री नंबर पे इधर सेम है, फोर्थ नंबर पे कार्बन से CH3 अटैच है. इधर फोर्थ नंबर पे कोई CH3 अटैच है क्या? वन नहीं देखेंगे, जब अगर कोई कार्बन रिंग का पार्ट है तो पूरे रिंग को देखेंगे, मतलब जितने कार्बन तक अटैच है पूरे रिंग को देखेंगे, क्या उसमें कार्बन नंबर वन सेम हो गया तो कार्बन टू देखेंगे, कार्बन टू सेम हो गया तो कार्बन थ्री देखेंगे, कार्बन थ्री सेम हो गया तो कार्बन फोर देखेंगे, कार्बन फोर सेम हो गया तो कार्बन फाइव देखेंगे. इसका मतलब ये कि अगर कोई कार्बन रिंग का पार्ट है तो उस पूरे रिंग का एक राउंड मारेंगे हम लोग. बात समझ में आ रहा है आपको? और अगर सभी कार्बन सेम हो गए तो हम लोग नॉट काइरल बोलेंगे, अगर एक भी डिफरेंस आ गया एट एनी कार्बन तो हम लोग इसको काइरल मान लेंगे. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इस कार्बन की हम लोग बात करें, इस कार्बन में लेफ्ट साइड जैसा इन्वायरमेंट है क्या राइट साइड सेम इन्वायरमेंट है? नहीं. तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन दिस इज डिफरेंट एंड लेफ्ट साइड राइट साइड डिफरेंट, सो दिस इज ऑल्सो काइरल. समझ में आ गया बात आप? सर अगर लेफ्ट साइड पे फाइव नंबर रिंग होता तो?
लेफ्ट साइड पे 5 तो भी काइरल होता, तो भी काइरल होता क्योंकि अनसिमेट्रिकल हो गया ना, अगर 5 होता तो भी काइरल होता। ठीक है, अब सी2 में देखते हैं। हां फाइव नंबर लिंक पे फोर्थ कार्बन पे अगर CH3 अटैच हो जाए तो फिर यहां पे फोर्थ कार्बन पे अगर CH3 अटैच होता तो फिर काइरल नहीं होता क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया ना, तो फिर काइरल नहीं बोलते। लेकिन वो वाला कार्बन तो 5 नंबर लिंक है तो फिर उसका कुछ स्टेबिलिटी में डिफरेंस नहीं होगा इस वाले कार्बन में उस वाले कार्बन में। यहाँ पे आप बोला कि अगर यहाँ पे 5 नंबर होता और CH3 अटैच होता तो फिर काइरल नहीं होता, अगर दोनों 6 नंबर रिंग है और CH3 अटैच है तो फिर हम लोग बोलेंगे काइरल नहीं है। अगर 5 होता तो काइरल होता, 5 होता तो काइरल होता, 6 है दोनों तो फिर काइरल नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया ना, अगर सिमेट्रिकल है तो काइरल नहीं होगा, अगर अनसिमेट्रिकल है तो काइरल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे C2 में देखते हैं, C2 में बताइए कितने काइरल सेंटर्स हैं, C2 में काउंट करके बताइए हाउ मेनी काइरल सेंटर्स आर देयर। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन तो होगा नहीं, इधर CH2 नहीं होगा, क्या ये कार्बन काइरल है? इधर देखिए आप, यहाँ से OH अटैच है, यहाँ पे O से और कुछ ग्रुप अटैच है, डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, दैट मीन दिस इज काइरल। ओके, नाउ दिस इज काइरल, यस दिस इज ऑल्सो काइरल, दिस इज काइरल, दिस इज ऑल्सो काइरल, दिस इज काइरल, दिस इज काइरल, सी एच टू नॉट काइरल। यहाँ पे देखिए दिस इज काइरल, दिस इज काइरल, दिस इज काइरल, दिस इज काइरल, तो कितने काइरल सेंटर हो गए बताइए? 9। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या? कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज काइरल, और अगर कोई कार्बन रिंग का पार्ट है तो फर्स्ट एटम सेम हो जाने पे सेकंड एटम देखेंगे, अगर सेकंड भी सेम होगा तो थर्ड एटम देखेंगे, थर्ड सेम हो गया तो फोर्थ एटम देखेंगे, राइट? बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? नाइन काइरल कार्बन एटम्स आर देयर। और सेकंड में बताइए हाउ मेनी काइरल कार्बन आर देयर, हाउ मेनी काइरल कार्बन आर देयर, फर्स्ट देखिए ये आपका बेंजीन है, बेंजीन में कोई कार्बन काइरल हो सकता है? sp2 वाले डबल बॉन्डेड नहीं होंगे, डबल बॉन्डेड वाले कोई काइरल नहीं होंगे, राइट? क्या ये होगा? CH2 है, नहीं CH2 नहीं, CH2 सभी CH2 CH3 ये सब नहीं होंगे, ये सभी काइरल नहीं है। काइरल कहाँ पे मिलेगा आपको? जंक्शन पे मिलेगा। जनरली जो काइरल होता है 3 डिग्री वाले काइरल होते हैं, ध्यान देना मैं आपको हिंट के लिए बता रहा हूँ, 3 डिग्री जो होते हैं ऐसे कार्बन जो 3 कार्बन से अटैच है वही काइरल होते हैं, और डबल बॉन्डेड वाले काइरल नहीं होते क्योंकि वो sp2 हो जाते हैं। CH3 कभी काइरल नहीं होता है, CH2 कभी काइरल नहीं होता क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गए ना, हमें 4 डिफरेंट चाहिए। तो इसमें कितने काइरल होंगे बताइए? इज दिस काइरल? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने होंगे बताइए? 8 अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है ना, तो क्या आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक सेम मिलेगा एनवायरनमेंट? अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, आपको दिख रहा है इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्या ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है? नहीं, तो जितने भी 3 डिग्री वाले हैं सभी कार्बन काइरल होंगे, आप देख लीजिए एनवायरनमेंट अलग अलग आएगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें बताइए? यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 काइरल कार्बन, क्लियर? मैं आपको ये इसकी बात बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में। यहाँ पे क्या है आपका? एक हाइड्रोजन है, एक CH3, ये तो आपके डिफरेंट हो गए ना। अगर यहाँ पे देखें हम लोग, ये कार्बन और ये कार्बन क्या सेम इन्वायरमेंट है? ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, सेम इन्वायरमेंट है? नहीं, तो इसका मतलब एक काइरल हो गया ना, इसी तरह से अदर भी काइरल हो जाएंगे। सर हाँ सर, वो जो मिडल वाला है ना उसमें ही, मतलब CH3 के जो लेफ्ट वाला, उसके तो दो लेफ्ट साइड के ग्रुप तो सेम ही रहेंगे ना सर? यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं सर, उसके ऊपर वाला, ये इसकी बात कर रहे हो? यस ठीक है। यहाँ पे देखिए
एक तो हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन एंड दिस इज डिफरेंट. नाउ यहाँ पे देखिए वन नंबर सेम, टू नंबर पे यहाँ पे टू नंबर पे सेम नहीं है. लेफ्ट साइड में टू नंबर पे sp2 आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में टू नंबर पे sp2 नहीं आ रहा, दैट मींस डिफरेंट हो गया. दिस इज ऑल्सो काइरल. समझ में आ गया बात? ओके सर. सर अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स में सारे sp3 वाले काइरल ही होंगे? जरूरी नहीं है. हाँ अनसिमेट्रिकल में थ्री डिग्री वाले काइरल होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, थ्री डिग्री वाले. डबल बॉन्डेड वाले नहीं होंगे, सी एच थ्री नहीं होगा, सी एच टू नहीं होगा, थ्री डिग्री वाले काइरल होते हैं. बात समझ आ रहे? और आप चेक कर सकते हैं अगर फर्स्ट एटम सेम है तो सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, इस तरह से करके आप चेक कर सकते हैं. ओके क्लियर. लास्ट क्लास में हमने देखा था कुछ क्वेश्चन किए थे रिएक्शन बेस्ड जीआई. अब इस टाइप के क्वेश्चन जेई में कई बार पूछे गए. तो इसमें क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड विल गिव टू प्रोडक्ट्स आफ्टर रिएक्शन विद NH2OH. टू प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में बताया था इस टाइप के क्वेश्चन. टू प्रोडक्ट्स कब मिलेंगे? टू प्रोडक्ट्स कब मिलेंगे? इफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल, राइट? बताया था ना लास्ट क्लास में. तो बताइए एंड वन प्रोडक्ट कब मिलेंगे? कभी कभी आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव वन प्रोडक्ट. वन प्रोडक्ट कब मिलेगा? इफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. इफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, राइट? इफ कार्बोनाइल कंपाउंड इज सिमेट्रिकल. जैसे अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, इस तरह से दिया हो. इसका जब आप NH2OH से रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये ऑक्साइड मिलेगा. अब यहाँ पे ये दोनों तो डिफरेंट है बट ये दोनों सेम है, तो क्या ये GI शो करेगा? ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, नो GI. नो GI का मतलब ये एक ही वन कंपाउंड रहेगा, इसका एक ही कंपाउंड बन रहा है. बट अगर मैंने इस तरह से कर दिया इसको, अगर मैंने इस तरह से कंपाउंड ले लिया अनसिमेट्रिकल और इसका NH2OH से रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये GI शो करेगा. दैट मीन्स ये GI शो कर, और अगर ये GI शो करेगा तो इसके टू फॉर्म्स एग्जिस्ट करेंगे. एक आपका E फॉर्म होगा, दूसरा Z फॉर्म होगा. जैसे सिस ट्रांस बोलते हैं वैसा EZ बोलते हैं. आज हम लोग देखेंगे EZ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. मतलब अगर कोई कंपाउंड ज्योमेट्रिकली एक्टिव है, अगर किसी कंपाउंड में जीआई हो सकता है तो वो टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सिस ट्रांस और ई एंड जेड. तो इसका मतलब यहाँ पे आपको टू प्रोडक्ट्स मिलेंगे. अगर अनसिमेट्रिकल है, ये आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड डिफरेंट ग्रुप्स है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो टू प्रोडक्ट्स मिलेंगे. बात समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ यहाँ पे. और अगर आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल कीटोन है, तो आपको वन प्रोडक्ट मिलेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? H2O साइड प्रोडक्ट है, ठीक है. H2O को कभी भी हम लोग मेन प्रोडक्ट नहीं मानते. H2O तो साइड प्रोडक्ट है, सॉल्वेंट है वो, ठीक है, वाटर सॉल्वेंट है. हमारा काम किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन को कराने का मकसद हमारा H2O प्रोड्यूस करना नहीं होता है. H2O तो हर जगह अवेलेबल होता है, ठीक है. हमारा टारगेट है मेन प्रोडक्ट ही है, तो H2O को काउंट नहीं करते हैं. H2O इज साइड प्रोडक्ट, दैट इज नॉट काउंटेड, ठीक है. तो यहाँ पे बताइए आंसर क्या आएगा. फर्स्ट, विच आर द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड विल गिव टू प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन विद NH2OH. फर्स्ट में अनसिमेट्रिकल है, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? टू. सेकंड में अनसिमेट्रिकल है, टू प्रोडक्ट. थर्ड में सिमेट्रिकल है, वन प्रोडक्ट. फोर्थ में DCHO है, DCHO. DCHO क्या है? एक तरफ D है, दूसरी तरफ H है, अनसिमेट्रिकल टू. इसमें क्या है? अनसिमेट्रिकल है, टू प्रोडक्ट. और लास्ट में देखिए, लास्ट क्या है? लास्ट में क्या है? लास्ट को ऐसा लिख सकते हैं COH और एक तरफ प्रोपाइल, ये भी अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है. यहाँ पे भी टू प्रोडक्ट. सो टू प्रोडक्ट वाले कितने हो जाएंगे आपके?
फाइव. वन प्रोडक्ट वाले कितने होंगे? विच आर द फॉलोइंग कार्बोनिल कंपाउंड विल गिव वन प्रोडक्ट? ओनली थर्ड, राइट? इज इट क्लियर? एनी डाउट? Now we will see E and Z nomenclature. E and Z nomenclature. So basically hota kya hai? E and Z nomenclature is used if four different groups are attached. If all groups are different. If all four groups are different to double bond. मान लिया सपोज इस तरह से आपका इस कंपाउंड को आप क्या बोलेंगे? टू सेम ग्रुप है, 90 डिग्री पे है, सिस बोलेंगे, राइट? बट अगर आपका इस तरह से हो जाए, क्या आप यहाँ पे सेकंड कंपाउंड में सिस ट्रांस लिख सकते हैं क्या? या आप यहाँ पे सेकंड कंपाउंड में सिस ट्रांस बोल सकते हैं? इसको सिस ट्रांस के लिए कोई दो ग्रुप सेम होना चाहिए, और जब वो 90 पे होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं, 180 पे ट्रांस बोलते हैं. यहाँ पे सभी ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा. मतलब आप इस कंपाउंड के टू डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं. अगर आप इसको इंटरचेंज करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी. इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम? जीआई. क्योंकि यहाँ पे सीएल के 180 पे फ्लोरीन है और यहाँ पे सीएल के 180 पे आयोडीन है. इसका मतलब एंगल चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप चेंज हो रहा है. और अगर ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन 3D चेंज होता है तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इन दोनों में क्या रिलेशन है? हम लोग इनको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर. और स्टीरियो आइसोमर भी दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल होता है, दूसरा ऑप्टिकल होता है. ऑप्टिकल तो नहीं है क्योंकि ये प्लेनर होते हैं, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं. अब अगर किसी डबल बॉन्ड से टू सेम ग्रुप है तो उनको सिस ट्रांस बोल सकते हैं, बट अगर सभी फोर ग्रुप डिफरेंट है तो उनको सिस ट्रांस नहीं बोलते हैं. फिर हम लोग कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे? कोई एक नेम होना चाहिए ना, कि इसको एक डिफरेंट नेम देना चाहिए, इसको डिफरेंट नेम देना चाहिए, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है. इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट होती है. मैंने आपको बताया था एंगल चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज आती है, तो इन दोनों को डिफरेंट नेम देना चाहिए. तो इनमें से ऐसे सिचुएशन में जब फोर डिफरेंट ग्रुप्स हो तो उनको एक को हम लोग ई बोलते हैं, दूसरे को जेड बोलते हैं. किसको ई बोलेंगे, किसको जेड बोलेंगे, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं. तो सबसे पहले ये समझ में आ गया, ई जेड नॉमेनक्लेचर कब यूज करते हैं? व्हेन ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट. अगर डबल बॉन्ड से सभी फोर ग्रुप डिफरेंट है, हम लोग सिस ट्रांस नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसे केस में ई जेड नॉमेनक्लेचर करते हैं. अब इन दोनों कंपाउंड को किस तरह से नेमिंग करना है, उसके लिए थ्री साइंटिस्ट थे, फॉरेन साइंटिस्ट थे, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग. उन्होंने एक रूल बनाया जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया, ठीक है? उन्होंने रूल बनाया कि आप नेम देख के आपको समझ में आ रहा होगा, कैन इनगोल्ड प्रीलॉग इंडियन तो नहीं है, राइट? कैन इनगोल्ड, ये थ्री साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल बनाया कि हम लोग एक
एक को आप ई बोलेंगे, दूसरे को जेड बोलेंगे, और कौन सा ई होगा उसके लिए कुछ रूल बनाया उन्होंने जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। तो रूल क्या है, फॉर डिसाइडिंग सिनॉइड। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया अगर ये कंपाउंड है आपका, डबल बॉन्ड है, अब इसमें करते क्या है, इन दोनों में एक प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो इन दोनों में हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, बी आर हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी मीन्स मोर एटॉमिक नंबर। इसी तरह से उन्होंने बोला कि इन दोनों में भी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है इन दोनों में, आयोडीन का, राइट। तो हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, राइट साइड में प्रायोरिटी डिसाइड कर लिया बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अब उन्होंने बोला कि अगर हाई, इन दोनों को बोलते हैं हाई प्रायोरिटी ग्रुप, इन दोनों में से ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है और इन दोनों में से ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, और अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप 180 डिग्री पे है तो उनको जेड बोलते हैं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा जेड, सॉरी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा ई। अगर हाई प्रायोरिटी ग्रुप 180 डिग्री पे होता है तो उसको ई बोलते हैं। अब अगर इसमें देखें हम लोग, तो क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है। फ्लोरीन आयोडीन में आयोडीन सीनियर ग्रुप है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। अगर दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में आ रहे हैं, डबल बॉन्ड के सेम साइड में आ रहे हैं, तो उनको जेड बोलते हैं। समझ में आ गया, बहुत ही इजी है। एक बार फिर से देखते हैं, तो डबल बॉन्ड के दोनों ही साइड में, एक आपका ये sp2 कार्बन है, इस sp2 कार्बन से दो ग्रुप अटैच है, इन दोनों प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन एटॉमिक। तो सीएल और बीआर में बीआर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, सीनियर ग्रुप बोलते हैं इसको, और इन दोनों में से आयोडीन सीनियर ग्रुप है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। और जब टू सीनियर ग्रुप्स 180 डिग्री पे होते हैं तो उसको ई बोलते हैं, और जब टू सीनियर ग्रुप 90 डिग्री पे होते हैं तो उसको जेड बोलते हैं। समझ में आ गया बात, क्योंकि यहाँ पे सिस ट्रांस नहीं लिख पाएंगे तो इसलिए हम लोग डिफरेंट नेमिंग कर रहे हैं ई जेड। क्लियर है, कोई दिक्कत है क्या इसमें बताइए, ई जेड समझ में आ गया। ई का मतलब है जब सीनियर ग्रुप 180 पे होंगे तो उसको ई बोलते हैं, जब सीनियर ग्रुप 90 पे है तो उसको जेड बोलते हैं। अब यहाँ पे रूल देख लेते हैं एक बार हम लोग, स्कैन एनगोल्ड प्रीलॉग रूल, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीआईपी रूल, इसको हम लोग सीआईपी रूल बोलते हैं। तो सीआईपी रूल में क्या है, फर्स्ट फॉर डिसाइडिंग द सीनियरिटी ऑफ ग्रुप, दैट मीन्स डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सीनियर ग्रुप हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और सीनियर ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, द ग्रुप विथ फर्स्ट एटम, पहले हम लोग फर्स्ट एटम देखते हैं। क्या ये आप सभी को क्लियरली दिखाई दे रहा है, द ग्रुप विथ फर्स्ट एटम हैविंग हायर एटॉमिक नंबर इज सीनियर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सीनियरिटी ऑफ द एटम्स इज आयोडीन, जैसे अगर हम इन सभी में देखें तो आयोडीन एटॉमिक नंबर मैक्सिमम, आयोडीन के बाद ब्रोमीन क्लोरीन सल्फर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर सबसे कम होती है तो हाइड्रोजन को लीस्ट सीनियर ग्रुप बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, मोर एटॉमिक नंबर सीनियर ग्रुप, लेस एटॉमिक नंबर जूनियर ग्रुप। क्लियर, दिस इज रूल वन। नाउ रूल टू, अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो फिर मास नंबर देखते हैं। वैसे तो एटॉमिक नंबर देखेंगे, अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो मास नंबर देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्राइटियम में अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, फिर कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर सेम है तो इन दोनों में से कौन सा सीनियर होगा, जिसका मास नंबर ज्यादा है ड्यूटेरियम, और इन दोनों में से कौन सीनियर होगा ड्यूटेरियम। तो दोनों सीनियर ग्रुप क्या है 180 डिग्री पे है तो इसको क्या बोलेंगे, ई कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आ गया, तो जब अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर हम लोग मास नंबर देखेंगे। रूल थ्री, इफ फर्स्ट एटम ऑफ द ग्रुप इज आइडेंटिकल देन सेकेंड एटम को देखते हैं, अगर फर्स्ट एटम आइडेंटिकल हो गया तो सेकेंड को देखेंगे। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सल्फर फ्लोरीन से पहले क्यों है, सल्फर और फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होता है बताइए, फ्लोरीन 9 है और सल्फर 16 है। सपोज मान लिया इस तरह से आपका है CH2Cl, यहाँ से आपका CH2Cl अटैच है
और यहाँ से आपका CH2Br अटैच है, इधर आपका CH2OH अटैच है, और यहाँ पे आपका CH2NH2 अटैच है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस कार्बन से फर्स्ट एटम सेम हो गया, फर्स्ट एटम सेम है, कार्बन कार्बन फर्स्ट एटम सेम हो गया, तो सेकेंड एटम देखेंगे, सेकेंड एटम हाई एटॉमिक नंबर कौन सा है, ब्रोमीन, तो इस पूरे को हम लोग सीनियर मान लेंगे, राइट। और इस साइड में देखिए, राइट साइड में देखिए, इधर फर्स्ट एटम कार्बन, तो जब फर्स्ट एटम सेम होगा तो सेकेंड एटम पे जाएंगे, सेकेंड एटम इधर नाइट्रोजन, इधर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये सीनियर हो गया। अब दोनों सीनियर ग्रुप क्या है, हाई प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे, गेट बोलेंगे। तो फर्स्ट एटम सेम हो गया तो सेकेंड देखेंगे, अगर सेकेंड सेम हो गया तो थर्ड देखेंगे, थर्ड सेम हो गया तो फोर्थ देखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आपको लिखा है CH2Cl, CH2Cl के बाद क्या आएगा आपका, CH2OH आएगा, देन CH2NH2, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एटम सभी में सेम है, कार्बन है, सेकेंड एटम ClOH, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन, और यहाँ पे क्या है, इधर सेकेंड एटम क्या मानेंगे, लास्ट वाले में हाइड्रोजन मानेंगे, राइट, क्योंकि दो हाइड्रोजन और एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, राइट। नाउ अगर किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करके देखते हैं सीनियोरिटी। देखिए यहां पे अगर हम देखना है तो इन दोनों में से कौन सा सीनियर ग्रुप होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, डबल बॉन्ड अगर कोई है तो डबल बॉन्ड को हमें ब्रेक करना पड़ता है। लाइक यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का हम लोग पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं और इससे टू ग्रुप्स हम लोग यहाँ पे अटैच कर देते हैं, दो कार्बन हम लोग अटैच कर देंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, राइट, टू कार्बन अटैच कर, उसके बाद हम लोग सीनियोरिटी देखेंगे। अगर आपका कोई ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या करेंगे, हम लोग दोनों ही पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और पाई बॉन्ड ब्रेक करके हम लोग डुप्लीकेट एटम लगाएंगे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस तरह से, और उसके बाद हम लोग सीनियोरिटी डिसाइड करेंगे। बात समझ में आ रहे हैं आपको? जैसे यहाँ पे अगर हम ग्रुप देखें तो इधर आपका CH2, यहाँ पे CH2 नहीं होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर आपका एक हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको हाई प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट एटम कौन सा है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अब हमने इसको ब्रेक कर लिया है, ठीक है, यहाँ से देखिए आप डबल बॉन्ड को हमेशा ब्रेक कर लेते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके डुप्लीकेट एटम लगाएंगे वैलेंसी कंप्लीट करेंगे, और इधर दोनों ही पाई बॉन्ड ब्रेक करके डुप्लीकेट एटम लगाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट एटम दोनों ही जगह पे कार्बन है, ओके, इधर लिख लेते हैं फर्स्ट एटम, यहाँ पे क्या है, इधर कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। सेकेंड एटम कौन सा है, इधर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, तो हम लोग हायर से लोअर एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लिखेंगे। सेकेंड एटम क्या है यहाँ पे, अगर सेकेंड एटम की बात करें तो इधर कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और इधर क्या है आपका सेकेंड एटम, कार्बन कार्बन कार्बन। तो फर्स्ट एटम सेम हो गया, सेकेंड एटम में कौन सा हाई प्रायोरिटी मानेंगे, ये आपका हाई प्रायोरिटी हो गया और ये लो प्रायोरिटी हो गया, तो इसका मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसको हाई प्रायोरिटी मानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से, ओके। एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, अगर किसी ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है या कोई भी पाई बॉन्ड आ रहा है तो पाई बॉन्ड को पहले ब्रेक कर लेते हैं, पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और इधर कार्बन लगाएंगे, इस तरह से वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। अगर दो पाई बॉन्ड है तो दोनों को ब्रेक करेंगे और इस तरह से। अब हम लोग इनकी प्रायोरिटी चेक करते हैं, फर्स्ट कार्बन सेम है दोनों में, फर्स्ट एटम सेम है, सेकेंड एटम अगर हम देखें तो इधर सेकेंड एटम क्या है, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ से सेकेंड एटम क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो फर्स्ट सेकेंड सेम है, थर्ड एटम पे दिस विन एंड दिस लूज, राइट, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हाई प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड लो प्रायोरिटी। क्या सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है?
क्लियर। अब सपोज मान लिया इधर देखिए इस तरह से, मान लिया अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है, एक आपका सी ट्रिपल बॉन्ड एन है और एक आपका सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, तो कौन सा हाई प्रायोरिटी होगा? दोनों में हम लोग कार्बन कार्बन लगाएंगे। अब यहाँ पे बात ध्यान देना, अगर इस तरह से सी ट्रिपल बॉन्ड वाई है तो हम लोग इसको किस तरह से ब्रेक करते हैं, सी वाई हो गया और पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। अब इस कार्बन से वाई अटैच है तो यहाँ पे जो वैलेंसी अटैच करेंगे वाई वाई, और इस वाई से कार्बन अटैच है तो इसकी जो वैलेंसी कंप्लीट करेंगे कार्बन कार्बन, इस तरह से ब्रेक करते हैं। बात समझ में आ रहे? अगर सी डबल बॉन्ड वाई है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग? पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, यहाँ पे एक वैलेंसी ऑलरेडी होगी, तो C से Y अटैच है, यहाँ से Y अटैच करेंगे, एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और Y से C अटैच है तो यहाँ से C अटैच करना है। क्या मतलब है? जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N को अगर हमें ब्रेक करना है तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे? C से N लगा दिया, अब इस कार्बन से N अटैच है तो दो N लगाएंगे क्योंकि हमें वैलेंसी कंप्लीट करनी है, और नाइट्रोजन से कार्बन अटैच है तो दो C लगाएंगे। इस तरह से ब्रेक करके देखेंगे हम, ब्रेक करने के बाद सीनियोरिटी चेक करेंगे। जैसे मान लिया अगर हमें एल्डिहाइड को ब्रेक करना है तो एल्डिहाइड को कैसे ब्रेक करेंगे? सी ओ लिख दिया, सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कार्बन से ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगाएंगे, ऑक्सीजन से कार्बन है तो इधर कार्बन लगाएंगे, हो गया। इसके बाद सीनियोरिटी चेक कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहे? ओके, फॉर एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे आपका सी एन है, और इस साइड में हम लोग सी ट्रिपल बॉन्ड सी लेते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच लेते हैं, और यहाँ पे हमने फ्लोरीन ले लिया और यहाँ पे क्लोरीन ले लिया। इसका ई और जेड बताना है हमें, ई जेड बताना है यहाँ पे। सो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को जो हमने ब्रेक किया, अभी मैंने आपको बताया सी ट्रिपल बॉन्ड एन को कैसे ब्रेक करना है, तो सी एन लिखा, सी से दो एन लगाया, एन से दो सी लगाया, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी को कैसे ब्रेक किया हमने? इधर से दो सी और यहाँ से दो सी लगाया और एच लगाया, वैलेंसी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट एटम सेम है, फर्स्ट एटम इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, सेकेंड एटम देखिए, सेकेंड एटम यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इधर कार्बन कार्बन कार्बन, कौन सा हाई प्रायोरिटी होगा बताइए? क्लियर। अब यहाँ पे देखिए इधर देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन में क्लोरीन की एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये आपका हाई प्रायोरिटी हो गया। दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप किधर है? हाई प्रायोरिटी ग्रुप 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? बताइए सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है ना? सपोज मान लिया इसको ई और जेड बताना है, बताइए ई होगा या फिर जेड होगा? पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके देखते हैं क्या ये ब्रेक करना सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? कैसे ब्रेक करते हैं, इस तरह से ब्रेक करते हैं, समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको, इधर सी से वाई है तो दो वैलेंसी वाई से कंप्लीट करेंगे, और वाई से सी है तो दो वैलेंसी सी से कंप्लीट करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? आपका एक सी एच ओ ग्रुप है, सी एच ओ, सी एच ओ ऐसा होता है, सी एच ओ को कैसे ब्रेक करेंगे आप? पाई बॉन्ड ब्रेक कर लो। अब सी से ओ अटैच है तो एक वैलेंसी ओ लगाएंगे, ओ से सी अटैच है तो एक वैलेंसी सी लगाएंगे, ब्रेक हो गया। और इधर से आपका सी एच टू एच है। अब यहाँ पे देखना फर्स्ट एटम दोनों में ही कार्बन है, तो क्या फर्स्ट एटम से डिसाइड कर पाएंगे? नहीं। सेकेंड एटम देखिए, यहाँ पे सेकेंड एटम कैसा है?
सेकंड एटम बताइए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेकंड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, क्लियर। यहाँ पे बताना सेकंड ग्रुप सेकंड एटम कौन कौन सा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो फर्स्ट एटम सेम हो गया, तो सेकंड एटम देखेंगे, सेकंड एटम कौन सा हाई प्रायोरिटी मानेंगे। अब मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ, एक में अगर पाई बॉन्ड है दूसरे में पाई बॉन्ड नहीं है, तो जिसमें पाई बॉन्ड है उसकी प्रायोरिटी जनरली ज्यादा होती है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में कौन सा होगा आपका, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हो जाएगा टू मोर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड 180, तो ये आपका ई हो गया, क्लियर। क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करें, बताइए जल्दी से, समझ में आ गया आप सभी को। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच आर द फॉलोइंग सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज्ड, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज कब नहीं किया जा सकता है, अगर सभी ग्रुप क्या है ऑल फोर ग्रुप्स डबल बॉन्ड से डिफरेंट लगे हो, तो आंसर क्या होगा, विच आर द फॉलोइंग सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर कैन नॉट बी यूज, बताइए। अरे बी में तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है ना, एक पेयर सेम है ना, तो बी में सिस ट्रांस लिख सकते हैं, सी होगा, सी में यहाँ पे देखिए ऑल फोर आर डिफरेंट, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एल्किन भी फोर डबल फोर डिफरेंट ग्रुप्स, बताइए इसमें ई और जेड कौन सा होगा, फर्स्ट में क्या होगा, ई होगा या फिर जेड होगा फर्स्ट, तो इन दोनों में हाई प्रायोरिटी मोर एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन सीनियर है, और इन दोनों में फर्स्ट एटम देखिए इधर कार्बन इधर क्लोरीन है, विच इज सीनियर क्लोरीन, और दो सीनियर ग्रुप क्या है 180 डिग्री, दैट मीन्स ई, 180 डिग्री को ई बोलते हैं, और इधर बताइए इन दोनों में से कौन सा सीनियर है, क्लोरीन, और इन दोनों में से कौन सा सीनियर है, ब्रोमीन, ये भी 180 डिग्री पर है, तो ये आपका कैसा हो गया, ई हो गया, क्लियर है बात। अब देखिए ई और जेड का फुल फॉर्म क्या होता है, जी ये जर्मन वर्ड्स है, जेड का मतलब होता है ज्यूसामेन, ज्यूसामेन मीन्स टुगेदर और 90 डिग्री, जर्मन वर्ड है, एंड ई मीन्स एंटीजीजन, एंटीजीजन मीन्स अपोजिट, तो इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अब आप बोलेंगे सर ये ई क्यों बोला था, क्योंकि एंटीजीजन का पहला वर्ड ले ले, तो एंटीजीजन क्या है, जर्मन वर्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो ई का मतलब आप ऐसे समझिए, ई का मतलब 180 और जेड का मतलब 90, समझ में आ गया बात। E का मतलब 180 एंड जेड का मतलब 90, क्लियर। अब इसे बताइए ई जेड बताइए फर्स्ट में, विच इज सीनियर एमंग दीज टू, फर्स्ट एटम देखते हैं पहले, फर्स्ट एटम इधर कार्बन इधर क्लोरीन है, ये सीनियर हो गया, इधर बताइए फर्स्ट एटम ये सीनियर हो गया, दो सीनियर ग्रुप 90 पे है, तो क्या होगा, जेड, सेकेंड बताइए, सेकेंड में पहले इस साइड देखते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट एटम सेम हो गया, फर्स्ट एटम सेम है CH2 CH2, तो फिर सेकेंड एटम देखेंगे, यहाँ पे सेकेंड एटम से NH2 अटैच है, इधर सेकेंड और इधर सेकेंड एटम से दो हाइड्रोजन अटैच है, तो सेकेंड एटम की बात करें तो इस सेकेंड एटम से क्या क्या अटैच है बताना, एक कार्बन एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, ऑर्डर में लिख लेते हैं, हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी, एक नाइट्रोजन एक कार्बन एक हाइड्रोजन, और इधर क्या क्या अटैच है सेकेंड एटम से, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। अब देखिए फर्स्ट वाला बताइए कौन सा सीनियर है, अप साइड सीनियर है या फिर डाउन साइड सीनियर ग्रुप है, अप साइड, राइट, वेरी गुड, ये आपका सीनियर हो गया, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गया आपको, तो अगर फर्स्ट एटम सेम आता तो सेकेंड देखते हैं, सेकेंड सेम आता तो थर्ड देखते,
अब यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये COH है, कार्बोक्सिलिक और CH2OH में जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड आते हैं वो सीनियर होता है, बताइए COH में पाई बॉन्ड आता है ना, तो सीनियर कौन सा होगा, तो दो सीनियर ग्रुप सेम साइड में है तो ये कैसा हो गया, जेड हो गया। अब देखिए COH को हाई प्रायोरिटी क्यों बोला, तो COH को कैसे ब्रेक करोगे आप, पाई बॉन्ड ब्रेक कीजिए, तो मैंने बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन से इधर वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे, ऑक्सीजन से कार्बन अटैच, तो यहाँ कार्बन अटैच कर दिया, इधर ऑक्सीजन अटैच कर दिया। और CH2OH कैसा है, CH2OH को एक्सपेंड करके अगर हम लिखें तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट एटम सेम है, सेकेंड एटम की बात करें तो सेकेंड एटम में क्या है, ओ ओ ओ दिख रहा है क्या, और यहाँ पे सेकेंड एटम में क्या है, हाई प्रायोरिटी से लो प्रायोरिटी ओ एच एच, बताइए कौन सा सीनियर है, फर्स्ट एटम सेम, सेकेंड एटम में ये हाई प्रायोरिटी है, सेकेंड एटम हाई एटॉमिक नंबर, तो कार्बोक्सिलिक और CH2OH में हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा, विच इज सीनियर ग्रुप, विच इज हाई प्रायोरिटी ग्रुप, COH, राइट, समझ में आ गया बात, आप क्लियर, ओके सी में बताइए इन दोनों में से कौन सा सीनियर होगा, CH3, और सी ट्रिपल बॉन्ड एन में, इमेजिन एन है तो नाइट्रोजन ज्यादा आएंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो कौन सा सीनियर होगा, दो सीनियर ग्रुप 180 डिग्री पे, दैट मींस ई होगा। एक और बात बता दे रहा हूँ, ई को स्मॉल नहीं लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, जो कुछ स्टूडेंट स्मॉल बोल रहे हैं, स्मॉल नहीं बोलते हैं, कैपिटल, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ई एन जेड हमेशा कैपिटल होते हैं, ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ई जेड कैसे करना है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैंने आपको बताया था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं हो, जो कम्प्लीटली अनसिमेट्रिकल होते हैं, ऐसे कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, मतलब सपोज मान लिया इस तरह का पोलरीमीटर ट्यूब होता है और हम लोग जब किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास कराते हैं तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रोटेट क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी भी टाइप की सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो कंपाउंड को रोटेट कर देता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देगा। अगर राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, अगर प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है, लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो क्या बोलते हैं हम लोग, लीवो रोटेटरी, स्मॉल एल बोलते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लीवो रोटेटरी को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड प्लेन पोलराइज लाइट, ऑर्डिनरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच हैज ऑक्सीलेशंस इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पाथ ऑफ प्रोपगेशन। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास्ड थ्रू निकोल प्रिज्म इट हैज All oscillations in the same plane, that is called plane polarized light. मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, वो सभी डायरेक्शन में मूव करता है। जब हम लोग किसी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो ये किसी एक प्लेन में आ जाता है, दैट इज पहले एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स सभी प्लेन में मूव कर रहा था, निकोल प्रिज्म से पास करने पे ये आपका किसी एक प्लेन में आ जाएगा, मान लिया हमने एक्स वाई प्लेन में मान लिया। तो ऑर्डिनरी लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, ऐसी लाइट जो किसी एक ही प्लेन में मूव करती है ऐसी लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, PPL बोलते हैं, समझ में आ रहा है बात, क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को, व्हाट इज प्लेन पोलराइज लाइट, लाइट विच कैन ऑसिलेट इन ओनली वन प्लेन, दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन अ कैरेक्टरिस्टिक वे व्हेन पास थ्रू देयर सॉल्यूशंस, these compounds are called optically active compound. The angle of rotation can be measured by an instrument called polarimeter. तो यहाँ पे जो experiment करते हैं हम लोग that is called polarimeter experiment. Okay? तो इस तरह से ये आपका light source है,
दिस इज अ लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स आप देख सकते हैं सभी प्लेन में मूव करता है. नॉर्मल लाइट सोर्स अगर देखें किसी प्लेन में मूव कर सकता है. इसको हमने क्या किया, निकोल प्रिंस से पास कराया तो किसी एक प्लेन में आ गया. आप देख सकते हैं ये एक प्लेन में आ गया, एक्स वाई प्लेन में आ गया. अब जिस भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है उसको एक बॉक्स में फिल करते हैं, और इस बॉक्स को बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब. और पोलरीमीटर ट्यूब की लेंथ होती है 1 डेसीमीटर. आप बीटेक में एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब आप बीटेक करेंगे इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया जाएगा, तो इसमें पोलरीमीटर ट्यूब 1 डेसीमीटर का होता है. 1 डेसीमीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक पोलरीमीटर ट्यूब होता है. इस ट्यूब के अंदर हम जिस भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है उसका सॉल्यूशन बना के फिल कर देते हैं, और इसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को इससे पास कराते हैं. और अगर प्लेन पोलराइज लाइट को इस कंपाउंड ने रोटेट कर दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, अगर रोटेट नहीं कर पाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे. बात समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पे सपोज मान लिया प्लेन पोलराइज लाइट ऐसा है एक्स वाई प्लेन में. तो जैसे जब ये कंपाउंड में कई सारे काइरल मॉलिक्यूल्स हैं, तो जब काइरल मॉलिक्यूल से टकराता है तो इसका रोटेशन हो जाता है, ये रोटेट करने लगता है. रोटेट होते होते एक पर्टिकुलर एंगल पे आ जाएगा और फाइनली आपको एक पर्टिकुलर एंगल मिलेगा आपको. दैट मीन्स पहले इस तरह से था, और जब पास कराने के बाद ये किसी एक एंगल पे रोटेट हो गया थीटा डिग्री पे. राइट साइड में रोटेट हुआ तो डेक्सटर रोटेटरी, लेफ्ट साइड में रोटेट हुआ तो लीवर रोटेटरी. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही किसी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड रोटेट नहीं कर पाते हैं. तो रोटेट करने के पीछे रीजन क्या है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं हम लोग, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड दिख रहा है आपको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड. इफ अ सब्सटेंस रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट और क्लॉक वाइज देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी डिनोटेड बाई स्मॉल डी और प्लस. लीवो रोटेटरी कंपाउंड, इफ लाइट रोटेट्स टूवर्ड्स लेफ्ट एंटी क्लॉक वाइज देन इट इज सेड टू बी लीवो रोटेटरी एल और माइनस. दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी. जैसे ज्योमेट्रिकली एक्टिव कंपाउंड टू टाइप के होते हैं सिस ट्रांस, वैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टू टाइप के होते हैं डी एंड एल. डी को हम लोग प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल को माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. मेमोराइज करने के लिए L का मतलब लेफ्ट, मतलब ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें. D का मतलब है राइट, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में मूव कर देते हैं. D का फुल फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, L का फुल फॉर्म लीवो रोटेटरी है. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? Now, what is cause of optical activity? Cause of optical activity. कोई भी compound plane polarized light को क्यों rotate करता है? इसके reason क्या है? तो reason is, if a molecule is asymmetric, that means अगर किसी compound के अंदर कोई भी type की symmetry नहीं है, तो ही वो optically active माना जाता है. तो वैसे तो सिमेट्री एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में 32 टाइप के सिमेट्री एलिमेंट होते हैं, 32, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही सिमेट्री एलिमेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी देख लेंगे हम लोग, 4 आपके सिलेबस में जो आप 4 देख लेते हैं हम लोग. एंड अगर आपके किसी भी कंपाउंड में सभी टाइप के सिमेट्री एलिमेंट एबसेंट है तो हम लोग उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं. दैट मीन्स वो आपका प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है. अगर किसी कंपाउंड में किसी भी टाइप की सिमेट्री आ गई तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है. इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग. सपोज मान लिया ये कंपाउंड है आपका, सॉरी ये आपका कंपाउंड है.
क्या इस कंपाउंड में कोई सिमेट्री एलिमेंट है? आप कोई सिमेट्री नजर आ रही है आपको? कोई सिमेट्री दिख रहा है आपको? अगर इस कंपाउंड को ऐसा कट कर दें वर्टिकल, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, क्या इसका मिरर इमेज बनेगा? अगर वर्टिकल एक मिरर लगा दें बीच में एक मिरर लगा दें, तो क्या आपको मिरर इमेज मिलेगा? क्या ये कंपाउंड टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है? यस, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, या किसी भी टाइप की सिमेट्री एलिमेंट है, और भी सिमेट्री एलिमेंट होते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि होता क्या है कि अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो हाफ पार्ट मान लिया डी राइट साइड में रोटेट कर रहा है, तो दूसरा हाफ पार्ट, इसी कंपाउंड के अंदर एक ऐसा हाफ पार्ट मौजूद है जो इसका जस्ट मिरर इमेज है। और अगर हाफ पार्ट ने डी राइट, सपोज हाफ पार्ट ने प्लस 30 डिग्री रोटेट किया, तो इसी कंपाउंड का हाफ पार्ट जो इसका मिरर इमेज है, ये वाला पार्ट, ये इसको माइनस 30 में रोटेट करेगा, तो ओवरऑल थीटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो क्या आपको समझ में आ गया कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है? अगर सिमेट्री एलिमेंट आ गया तो हाफ पार्ट प्लस 30 कर दिया, हाफ पार्ट माइनस 30 कर दिया, ओवरऑल रोटेशन जीरो हो गया, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इस कंपाउंड को हम लोग देखें, इस कंपाउंड के अंदर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो, इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अगर इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सी एल है, इधर एच है, तो क्या बीच से कट करेंगे तो मिरर इमेज बनेगा? नहीं बन पाएगा ना, यहाँ पे एच है, इधर सी एल है, राइट? तो इस कंपाउंड के अंदर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री और नो सिमेट्री एलिमेंट, इस कंपाउंड के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं है। और अगर सिमेट्री नहीं है तो इसके हाफ पार्ट ने मान लिया प्लस 30 किया और बाकी के हाफ पार्ट ने माइनस 10 किया, तो ओवरऑल थीटा आएगा नॉन जीरो, बताइए मुझे, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है ना। सिमेट्रिकल नहीं है तो ओवरऑल थीटा की कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर सकता है? रोटेट कर देगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव या प्लेन पोलराइज लाइट को कब रोटेट करेगा? अगर उसके अंदर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। तो व्हाट इज कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी? असिमेट्री। असिमेट्री मीन्स असिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकली ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिमेट्री एलिमेंट नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इज इट क्लियर? सो दिस इज सिमेट्रिकल कंपाउंड एंड दिस इज असिमेट्रिक कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगे, सिमेट्रिकल होंगे या असिमेट्रिकल होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है। असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल वाले को ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे, जिसमें सिमेट्री नहीं है, राइट? ओके, नाउ मैंने आपको क्या बताया कि सपोज आपका ये सोर्स ऑफ लाइट है जो कि सभी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हमने निकोल प्रिज्म पास कराया, तो इसका क्या हो गया डायरेक्शन इस तरह से हो गया, एक डायरेक्शन में आ गया, एक्स वाई प्लेन में आ गया, ये हो गया प्लेन पोलराइज लाइट बन गया, निकोल प्रिज्म से पास कराया, ये आपका क्या है, सोर्स ऑफ लाइट। अब इस कंपाउंड को हम लोग क्या करते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब से पास कराते हैं। पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर
सपोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हमने लिया है, इसके अंदर कौन सा कंपाउंड लिया है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को काइरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइरल मॉलिक्यूल। और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? पोलरीमीटर ट्यूब बोल रहे हैं, पोलरीमीटर ट्यूब, जो कि आपका 1 डेसीमीटर और 10 सेंटीमीटर होता है, राइट। हमने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास कराएंगे। जब ये प्लेन पोलराइज लाइट, अब इस मान लीजिए सपोज 1 मोल ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, और ये सभी काइरल मॉलिक्यूल है। तो ये जब लाइट इससे टकराएगा तो इसके इसको रोटेट करता जाएगा, मतलब इसको पहले थोड़ा सा रोटेट किया और रोटेट किया और रोटेट किया और रोटेट किया, तो जब इस सॉल्यूशन से बाहर निकलेगा तो एक एंगल पे ये आपका रोटेट कर जाएगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनिशियली ऐसा था, ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक एंगल पे रोटेट कर गया, और इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा। क्या होता है? इसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जर्व्ड रोटेशन बोलते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड्स की डिफरेंट ऑब्जर्व्ड रोटेशन मिलती है। हो सकता है किसी कंपाउंड में 30 रोटेट हुआ, किसी कंपाउंड में 20 रोटेट हुआ, और अभी अभी प्रेजेंट केस में किधर रोटेट हुआ है? राइट में रोटेट हुआ। तो कंपाउंड को क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, डी बोलेंगे और प्लस बोलेंगे। अगर लेफ्ट साइड रोटेट हुआ होता, इनिशियली ऐसा था राइट में हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट हो गया तो लीवर रोटेटरी, और अगर रोटेट नहीं हुआ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे, राइट। अब मुझे आप बता सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, फैक्टर्स इंपैक्टिंग ऑब्जर्व्ड रोटेशन, दैट मींस ये जो थीटा है, कोई भी कंपाउंड किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने डिग्री पर रोटेट करेगा, ये किस बातों पर डिपेंड करेगा? थीटा, नंबर वन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन को हम लोग ग्राम पर एमएल में लेते हैं। अगर हमने किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाया है, अगर हाईली अभी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया या मोर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हाई कंसेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन बनाया है तो ऑप्टिकली एक्टिव काइरल मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया तो लो काइरल मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जितने ज्यादा काइरल मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज्यादा चांसेस होंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट होने के। डू यू एग्री विद दिस? अगर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ज्यादा है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर जो सॉल्यूशन हमने लिया है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का, अगर वो डाइल्यूट है तो मतलब उसमें ऑप्टिकली एक्टिव काइरल मॉलिक्यूल्स कम है। अगर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है, हाई कंसेंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया है, तो काइरल मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। और जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन काइरल मॉलिक्यूल्स से जाके कोलाइड करता है तो इसके अंदर रोटेशन हो जाता है, ये रोटेट कर जाते हैं। तो जितने ज्यादा काइरल मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस होंगे रोटेट होने के। सो कैन यू से दैट ऑब्जर्व्ड रोटेशन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? हायर द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोर इज द चांसेस ऑफ रोटेशन, राइट। सो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इज देयर एनीथिंग एल्स व्हिच डिपेंड्स ऑन व्हिच थीटा डिपेंड्स? सेकंड इज लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब एल, जिसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ हम लोग किस यूनिट में लेते हैं? डेसीमीटर में लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे बताइए, अगर हमने पोलरीमीटर ट्यूब लार्ज लेंथ का ले लिया है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को फेस करना पड़ेगा, इसके पाथ के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। अगर पोलरीमीटर ट्यूब शॉर्ट है तो कम मॉलिक्यूल्स आएंगे, क्योंकि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करा रहे हम लोग। तो अगर ज्यादा आपका लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ज्यादा चांसेस होंगे रोटेट होने के। अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कम चांसेस होंगे रोटेट करने के। तो दैट मीन्स ऑब्जर्व रोटेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब, राइट। कुछ और बातों पर डिपेंड करता है। थर्ड थिंग इज टेम्परेचर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इस मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक्टिव होंगे। टेम्परेचर ज्यादा करने से मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उससे भी इफेक्ट आएगा।
फोर्थ आपका होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, टेम्परेचर कैपिटल टी, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा। मतलब हमने यहाँ पे जो सोर्स लिया है, कौन सी लाइट लिया, येलो लाइट लिया या रेड लाइट लिया, उसका वेवलेंथ क्या है, लाइट की वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। दैट मीन्स कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने एंगल पर रोटेट करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व रोटेशन, डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, लेंथ ऑफ ट्यूब, टेम्परेचर क्या है और वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? अब जनरली क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, इन दोनों को कॉन्स्टेंट रखते हैं। मतलब अगर सपोज टू साइंटिस्ट है और दोनों साइंटिस्ट ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे किया है, तो क्या उनको ऑब्जर्व रोटेशन सेम वैल्यू मिलेगी? इसका मतलब फिर तो हम लोग कंपाउंड को जज नहीं कर पाएंगे कि कितना एंगल रोटेट कर रहा है। तो जनरली क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, टेम्परेचर और वेवलेंथ कॉन्स्टेंट ही रखते हैं, चेंज क्या करते हैं कंसेंट्रेशन और लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। तो इसका मतलब थीटा जो है, थीटा को क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बताइए समझ में आ रहा है? मोर द कंसेंट्रेशन मोर विल बी थीटा, मोर द लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब मोर विल बी थीटा। नाउ इस हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं C इंटू एल, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन विच इज ए कांस्टेंट विच डू नॉट डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन और लेंथ ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया जिसपे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कोई भी कंपाउंड का ऑब्जर्व रोटेशन कितना होगा, कोई भी कंपाउंड कितना प्लेन पोलराइज्ड को कितने एंगल पर रोटेट करेगा, that depends on two factor, concentration of solution and length of polarimeter tube. Constant लगा दिया, this is called specific rotation which is a constant. क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आप सभी को? Now, यहाँ पे जो specific rotation है, specific rotation को हम लोग define करते हैं। क्या हम लोग specific rotation, लैम्डा का मतलब एक पर्टिकुलर, जब आपका वेवलेंथ और टेम्परेचर, वेवलेंथ ऑफ लाइट टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, उस समय जो थीटा मिलता है उसको हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा अपॉन सी एल, सी इज कंसेंट्रेशन, एल इज लेंथ ऑफ ट्यूब। नाउ इफ कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml एंड लेंथ ऑफ पॉलीमीटर ट्यूब इज 1 डेसीमीटर एंड टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, लैम्डा इज कॉन्स्टेंट, उस समय जो आपका थीटा होगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। समझते हैं इस बात को, स्पेसिफिक रोटेशन और ऑब्जर्व रोटेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए ऑब्जर्व रोटेशन किसी भी कंसेंट्रेशन किसी भी लेंथ पे, हम लोग मान लिया हमने कंसेंट्रेशन 2 ग्राम पर ml लिया है तो उस समय कितना एंगल है उसको ऑब्जर्व रोटेशन बोलेंगे। बट अगर हमने कंसेंट्रेशन 1 ग्राम पर ml ले लिया, मतलब यूनिट कंसेंट्रेशन है और यूनिट लेंथ की ट्यूब से हमने पास कराया, जब आपका कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml हो गया, लेंथ ऑफ पॉलीमीटर ट्यूब 1 डेसीमीटर हो गया, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिया, वेवलेंथ ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट कर दिया, उस समय जो आपका थीटा आएगा उसको स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? उस समय जो जितने एंगल पर रोटेट करेगा वो कंपाउंड, उसको हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। और ये जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड, स्पेसिफिक रोटेशन हैज डिफरेंट वैल्यू। लाइक लैक्टिक एसिड के लिए डिफरेंट होता है, किसी और कंपाउंड के लिए डिफरेंट होगा। टेम्परेचर जनरली हम लोग जो जिस टेम्परेचर पे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं 25 लेते हैं और लैम्डा 589 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, 589 नैनोमीटर लेते हैं। ये साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स कर रखा है, क्योंकि अगर किसी और साइंटिस्ट ने किसी अदर कंट्री में डिफरेंट टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट किया तो उसको आपका थीटा की वैल्यू डिफरेंट मिलने वाली है। तो साइंटिस्ट लोगों ने टेम्परेचर और लैम्डा फिक्स कर दिया है,
बात समझ में आ रहा है सर? ये सेंटीमीटर की जगह डेसीमीटर क्यों लिया? क्योंकि फिर सीटीएच अब देखो जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, जब आप बीटेक में जाएंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कोलोरीमीटर, तो ज्यादा बड़ा नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट छोटा सा होता है, तो 10 सेंटीमीटर का ही लेते हैं। 1 किलोमीटर का तो ले नहीं सकते हैं। अगर 1 किलोमीटर का लेंगे तो इंस्ट्रूमेंट भी काफी बड़ा होगा, उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या आप रख सकते हैं? सर सीजीएस के हिसाब से सेंटीमीटर ज्यादा अच्छा रहेगा ना? 1 सेंटीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट बनता है वो 1 डेसीमीटर का ही बनता है, तो हम लोग 1 डेसीमीटर पढ़ रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का होता है। कितना होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 1 मीटर सर, 1 सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग। सीजीएस में मैंने नहीं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर काफी छोटा है क्या? 1 सेंटीमीटर का ट्यूब के अंदर कंपाउंड आप फिल कर पाओगे अगर लैब के अंदर दे दिया जाए आपको? नहीं सर, नहीं कर पाओगे ना, कुछ चीजें प्रैक्टिकल बातें सोचनी होती है ना। 1 सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है? उतना छोटा ट्यूब आप हैंडल कर पाओगे? नहीं सर। ठीक है, मैंने बना दिया 1 सेंटीमीटर का बना दिया, आप उसमें कंपाउंड ही नहीं फिल कर पाओगे, राइट? तो 10 सेंटीमीटर साइंटिस्ट लोगों ने फिक्स कर दिया है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं 10 सेंटीमीटर के ही बनते हैं पोलरीमीटर ट्यूब, राइट? तो क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? Is it clear to all of you? Yes, sir. यहाँ पे सी क्या है आपका? कंसेंट्रेशन। एंड एल क्या है आपका? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। सो स्पेसिफिक रोटेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? स्पेसिफिक रोटेशन which is represented by this particular symbol is defined as rotation caused by optically active compound when its concentration is 1 gram per ml and length of tube is 1 decimeter। बात समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे अगर 1 and 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज दैट रोटेशन व्हेन द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज 1 and length ऑफ ट्यूब इज 1। ओके, क्लियर? नाउ सी कायरलिटी। अ कंपाउंड विच इज नॉन सुपरइम्पोजिबल टू इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड कायरल, व्हाइल अ कंपाउंड विच इज सुपरइम्पोजिबल टू इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड अकायरल। कंपाउंड विच इज नॉन सुपर इम्पोजिबल टू इट्स मिरर इमेज, दैट मीन्स अगर हम हैंड की बात करें तो हैंड का मिरर इमेज इस तरह से बनेगा, ये दोनों मिरर इमेज है। अगर हम लोग मिरर किस तरह से रखें, वर्टिकल, अगर बीच में वर्टिकल मिरर रख दें तो इस तरह से हैंड बनेगा, क्या ये सुपर इम्पोज होंगे? इसका मतलब हैंड क्या है आपका? काइरल है, हैंड इज काइरल। तो ऐसे कंपाउंड जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं दैट आर कॉल्ड काइरल, और नॉन सुपर इम्पोजिबल तभी होंगे अगर उसमें मिरर इमेज नहीं है, तो अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखें,
सपोज एक कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं, ये आपका कंपाउंड सपोज। अब इस कंपाउंड का अगर हम मिरर मिरर इमेज बनाएं, तो इस कंपाउंड का मिरर इमेज इस तरह से बनेगा। क्या ये कंपाउंड काइरल है? यहाँ पे हम लोग ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे एक सी एच थ्री लगा देते हैं, ठीक है? इस तरह से मिरर इमेज बनेगा। क्या ये कंपाउंड काइरल है? मतलब अगर हम इसको सुपर इम्पोज करें एक दूसरे के ऊपर, क्या ये सुपर इम्पोज होगा? एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो रहा है? नहीं, एक सी एल एक्स्ट्रा आ रहा है इस साइड में, सो दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ऐसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग काइरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। काइरल मॉलिक्यूल अब सपोज मान लिया हमने इस तरह से ले लिया कंपाउंड। इस कंपाउंड के अंदर यहां पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए काइरल बना, इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ। अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जैसे इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीच से कट कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो अगर इसका मिरर इमेज बनाएं तो क्या वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा? क्या ये कंपाउंड काइरल है? एक बार मिरर इमेज बनाते हैं, मतलब बीच में वर्टिकल मिरर रखा है, क्या ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है या सुपर इम्पोजेबल है? सुपर इम्पोज हो गया, राइट? मतलब ये सुपर इम्पोज हो गया, राइट? तो इसको क्या काइरल बोलेंगे? इसको काइरल नहीं बोलेंगे, नॉट काइरल। मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, या ऑप्टिकली इनएक्टिव बोल सकते हैं, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन रहे हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्या हम सभी लोग का मिरर इमेज बना के देखेंगे? जरूरत नहीं है। क्या करेंगे आप? प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर नहीं है तो फिर काइरल होगा, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया अभी इससे तो अकायरल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड काइरल। सो अ कंपाउंड इन विच कार्बन इज अटैच विद फोर डिफरेंट ग्रुप्स, सी अ कंपाउंड इन विच कार्बन इज अटैच विद फोर डिफरेंट ग्रुप लैक्स सिमेट्री, सिमिट नहीं होता उसके अंदर, एंड इट्स कॉल्ड काइरल। और असिमेट्रिक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी स्टार, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, काइरल कार्बन को सी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक कंपाउंड, अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट पजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री दैट आर 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड असिमेट्रिक। वैसे तो कोई भी कंपाउंड परफेक्टली ऑप्टिकली इनएक्टिव तभी, ऑप्टिकली एक्टिव तभी बोला जाता है अगर उसके अंदर किसी भी टाइप की सिमेट्री एलिमेंट ना हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सभी सिमेट्री एलिमेंट अगर एब्सेंट है, 23 होते हैं, तो हम लोग उसको परफेक्टली ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। बट आपको क्या 23 एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, तो आपको सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना होता है। अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव मान लेते हैं उसको। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर डिसिमेट्री और काइरालिटी। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कंपाउंड किस तरह से सिमेट्री, उसमें डिफरेंट टाइप के सिमेट्री एलिमेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री? एन इमेजिनरी प्लेन व्हिच बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ्स इन सच ए वे दैट ईच हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्या डेफिनेशन समझ में आ रहा है आप सभी को?
प्लेन ऑफ सिमेट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. अगर किसी कंपाउंड के अंदर किसी कंपाउंड को आप टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिसे टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके, एंड दोस टू आर मिरर इमेजेस टू ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री. लाइक ये आपका सिस ब्यूटीन है. क्या सिस ब्यूटीन में इस तरह से हम लोग कट करके क्या ये मिरर इमेज बन रहे हैं? यस, मिरर इमेज बन रहे हैं. दैट मीन्स अगर एक वर्टिकल प्लेन उसके अंदर वर्टिकल मिरर रख दे तो इस कंपाउंड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो इस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है. इस तरह से मतलब अगर ये ऐसा प्लेन ले ले तो क्या ये कंपाउंड टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना, और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं. तो ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा बोलते हैं, पी ओ एस बोलते हैं. समझ में आ रहा है बात? इज इट क्लियर? नाउ अगर कोई कंपाउंड प्लानर है, अगर कोई कंपाउंड प्लानर है तो डेफिनेटली उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा. क्योंकि सपोज मान लिया अगर हम इस कंपाउंड की बात करें, कोई कंपाउंड प्लेन है तो जिस प्लेन में वो प्रेजेंट है उसी प्लेन से कट कर दो आप, तो हाइड्रोजन हाफ हाफ कट हो गया, सी एच थ्री हाफ हाफ कट हो गया. तो अगर कोई कंपाउंड प्लेनर है तो डेफिनेटली उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा. बात समझ में आ रहे? सपोज कंपाउंड एक्स वाई प्लेन में, तो उसी कंपाउंड उसी प्लेन से कट कर दो आप. नाउ अगर सी एच फोर में देखें तो क्या सी एच फोर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है? सी एच फोर के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है. मीथेन के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है. अब मीथेन में टोटल कितने एटम्स होते हैं जो एक प्लेन में पॉसिबल है? सभी एटम तो पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम हाउ मेनी एटम्स कैन बी इन वन प्लेन? थ्री. ये थ्री एटम वन प्लेन. अब ये इस थ्री एटम इसी साइड से कट कर दो आप, अगर ऐसा स्ट्रेट डायरेक्शन है. सी ये थ्री एटम एक प्लेन में, यहाँ से जो मैंने ये सी ये थ्री एटम्स हैं. कितने एटम्स वन प्लेन में दिख रहे हैं आपको? थ्री एटम ही वन प्लेन में दिख रहे हैं. वन टू थ्री, वन टू थ्री, थ्री एटम वन प्लेन में दिख रहे हैं. अब अगर इस कंपाउंड को हम लोग ऐसा कट कर दें तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? वर्टिकल ऐसा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन मिल रहा है. समझ में आ रहे बात? तो इस कंपाउंड सी एच फोर में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वर्टिकल कट करोगे तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन मिलेगा. बात समझ में आ रहे? तो किसी भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री कब मिलेगा? मिनिमम दो एटम सेम होने चाहिए, मिनिमम दो एटम सेम होने चाहिए तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा. टू ग्रुप शुड बी सेम, टू ग्रुप सेम होने चाहिए. बात समझ में आ रहा है क्या? तो टू ग्रुप सेम होंगे तो ऐसा वर्टिकल कट कर देंगे. क्लियर? मिनिमम टू एटम होने चाहिए. अगर सभी सेम है तो फिर दैट इज ओके. जैसे यहाँ पे देखिए, इस कंपाउंड के अंदर ऐसा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, इसका मिरर इमेज ये बनेगा. यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं वर्टिकल कट कर देंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा. राइट? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? कोई दिक्कत है प्लेन ऑफ सिमेट्री में? ओके, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं. आई, सेंटर ऑफ सिमेट्री रिप्रेजेंटेड बाई आई. वट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इज अ पॉइंट, एक पॉइंट होता है from which lines when drawn on one side and produced an equal distance and produced an equal distance on other side will meet identical points in the molecule. Definition समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है? देखते हैं हम लोग. जैसे ये आपको एक molecule लेते हैं हम लोग, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा पॉइंट हम लोग इमेजिन करते हैं. एक यहाँ पे एक पॉइंट अगर इमेजिन करें तो क्या इस पॉइंट के 180 डिग्री पे सेम एटम मिलेंगे? यहाँ पे देखिए सी, इधर सी मिल रहा है, इधर ऑक्सीजन, इधर सी, यहाँ पे सी ओ, इधर सी ओ मिल रहा है. राइट? ओके. इस साइड में भी एन एच, एन एच सेम मिल रहा है. मतलब इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पे सेम एटम मिलने चाहिए. इस साइड में हाइड्रोजन, इधर 180 डिग्री का हाइड्रोजन, इधर आपका सी एच थ्री मिल रहा है और इधर 180 डिग्री पे सी एच थ्री मिल रहा है. तो एक ऐसा पॉइंट जिसके 180 डिग्री पे आइडेंटिकल एटम्स मिले, ऐसे पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. समझ में आ रहा है आप सभी को? बताइए.
एक ऐसा पॉइंट जिसके 180 डिग्री पे आइडेंटिकल एटम मिले, ऐसे पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सो इन दिस कंपाउंड सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, राइट। यहाँ पे देखिए 180 डिग्री पे सेम एटम CO CO, इस साइड 180 डिग्री पे सेम एटम NH NH, यहाँ पे CH3 अपोजिट साइड में भी CH3 है, इधर आपका हाइड्रोजन अपोजिट साइड में भी हाइड्रोजन, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सिमिलरली अगर हम देखें सिस ब्यूटीन, क्या सिस ब्यूटीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? इधर CH3 है, अपोजिट साइड में क्या CH3 मिल रहा है? बिल्कुल, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर सिस ब्यूटीन में, सॉरी ट्रांस ब्यूटीन में। अगर यहाँ पे देखें हम लोग, इधर H है और यहाँ पे Cl है, तो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा? इस साइड में H है 180 डिग्री पे, क्या सेम मिल रहा है? नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट इन दिस कंपाउंड। बताइए इस कंपाउंड में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? यहाँ पे देखिए CH3 ऊपर CH3 नीचे, बिल्कुल अच्छी बात है, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसका, दिस इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट। 180 डिग्री पे सेम एटम मिलने चाहिए। सर एक बार प्लेन ऑफ सिमेट्री का लास्ट एग्जांपल। ऐसे क्या प्रॉब्लम बताइए? सर ये राइट साइड वाले में कैसे दिया हुआ है? नहीं, राइट साइड वाला ये इसी का आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है, फॉरगेट अबाउट दिस, ये 3D मॉलिक्यूल है, आइडेंटिकल दिया हुआ है, सी आइडेंटिकल है, राइट। तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से, तो यहाँ से ऐसा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा, वर्टिकली कट करोगे तो इधर भी टर्शियरी ब्यूटाइल, इधर भी टर्शियरी ब्यूटाइल सेम मिल गया, राइट। इसी तरह से यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर कट कर दो वर्टिकल, तो इधर एक टर्शियरी ब्यूटाइल, इधर भी टर्शियरी ब्यूटाइल, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, समझा, राइट। अब अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे और काइरल बोलेंगे, राइट। तो काइरल होने के लिए क्या होना चाहिए? काइरल मॉलिक्यूल और ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कब बोलेंगे? इफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ऐसे कंपाउंड ही प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाएंगे अगर एब्सेंट है। तो आपका क्वेश्चन ये है, विच आर द फॉलोइंग आर काइरल, कैन यू टेल मी? फोर ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से कौन सा काइरल है जिसे प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है? बताइए विच आर द फॉलोइंग इज काइरल, काइरल और ऑप्टिकली एक्टिव, विच आर द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? फर्स्ट में देखिए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा आपको? ए ऑप्शन में क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा आपको? अगर ऐसा कट करें तो यहाँ पे ऊपर है तो ऊपर का मिरर इमेज ऊपर ही मिलना चाहिए, यहाँ पे नीचे है तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? वर्टिकल कट करोगे तो हॉरिजॉन्टल नहीं, इस तरह से नहीं, हर टाइप का कट करके देख सकते हो, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, हर आपका सभी प्लेन के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे क्या कोई आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे मिल रहा है? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये क्या है आपका? काइरल है। सो फर्स्ट वन इज काइरल। बी में देखिए, बी में आपको क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है आपको? बताइए प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री बताइए, सेंटर ऑफ सिमेट्री है? सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, नो पीओस, क्योंकि यहाँ पे सीएल, इधर कोई सीएल नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? काइरल और ऑप्टिकली एक्टिव है। थर्ड में बताइए, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये भी आपका क्या हो गया? काइरल हो गया। फोर्थ में देखिए, क्या फोर्थ काइरल होगा? क्या फोर्थ काइरल है? नहीं। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आप फाइंड आउट कर सकते हो? इज देयर एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री?
ऐसे कट कर दीजिए, तो CH3 तो कट हो गए, CH3 कट हो गए, यहाँ पे CH2 के साइड में CH2 मिल गया। तो क्या इस कंपाउंड में प्लेनर सिमेट्री दिखा आपको? वर्टिकल, वर्टिकली कट करेंगे तो CH3 पूरा आपका कट हो जाएगा। आपका ऊपर है या नीचे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लेनर सिमेट्री वो तो कट हो जाएगा, तो प्लेनर सिमेट्री है। और अगर इस कंपाउंड के अंदर देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि एक आपका CH3 ऊपर है और 180 डिग्री पे जाने पे क्या नीचे भी सेम ग्रुप मिल रहा है? एक CH3 ऊपर है, देखिए अगर इस तरह से बना हुआ है, अगर इस तरह से सॉलिड लाइन बना, सॉलिड लाइन का मतलब होता है अप, और अगर इस तरह से डैश लाइन बना हुआ है तो डैश लाइन का मतलब होता है डाउन। तो आपका रिंग इस तरह से, एक CH3 आपका ऊपर है और दूसरा CH3 नीचे है, तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा? ऊपर से 180 डिग्री पे नीचे एग्जैक्टली सेम मिलेगा, तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दैट मीन्स ये अकायरल होगा, कायरल नहीं होगा, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? क्लियर? तो इसमें काइरल कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 3 आर काइरल, फोर्थ वन इज अकायरल। सर हाँ बताइए, अगर सेकेंड वाले में भी हम लोग CL को इससे कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो मिल जाएगा ना हम लोग को? CL से कट करेंगे तो यहाँ पे एक ऊपर है एक नीचे, ऊपर का मिरर इमेज ऊपर ही होना चाहिए, अगर यहाँ पे भी ऊपर होता तो हम बोलते ओके सर। ठीक है, मिरर में आप मिरर के सामने खड़े होते हैं, सीधा खड़े होते हैं तो उल्टा दिखाई देता है क्या? नहीं ना, राइट? थर्ड रिपीट करना है, ठीक है। तो मतलब अगर ऊपर है तो ऊपर ही होना चाहिए, बात समझ में आया? ठीक है, एक ऊपर है और बीच से कट करेंगे तो ऊपर का मिरर इमेज ऊपर ही बनेगा ना, या ऊपर का मिरर इमेज नीचे बनेगा? नहीं बनेगा, अगर यहाँ पे ऊपर होता तो बोलते हैं, ठीक है। थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर आप इस तरह से कट करोगे तो इधर CL है इधर CH3 है, तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा? सेम आइटम मिलने होने चाहिए, नहीं। इस तरह से कट करेंगे, इधर CL है, इधर कोई भी ग्रुप नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट? और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल नहीं है, इधर CL है, इधर कहीं नीचे CL नहीं दिख रहा है 180 डिग्री पे, इधर CH3, इधर 180 डिग्री पे CH3 नहीं दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एक ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बेसिकली ऐसा होना चाहिए COH H, और यहाँ पे COH है, इधर H, यहाँ पे सपोज CL है H, और यहाँ पे H है, सॉरी इधर आपका H है और यहाँ पे C। इस कंपाउंड को आप देखिए, तो इस कंपाउंड में अगर यहाँ पे देखें हम लोग, तो यहाँ पे COH मिल रहा है इस साइड में, क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप मिल रहा है यहाँ पे? सेम ग्रुप मिल रहा है यहाँ पे COH, और इधर भी COH मिल रहा है, राइट? इधर H और इधर नीचे H है, तो अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पे H मिल रहा है, इधर आपका CL ऊपर है, CL नीचे मिल रहा है, H ऊपर है, H नीचे मिल रहा है, तो इस कंपाउंड के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आप समझ में आ गया बात आपको? सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? 180 डिग्री पे सेम ग्रुप होने चाहिए, एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए, इस तरह से रिंग इस तरह से, और रिंग के जो आपके ग्रुप्स हैं वो ऊपर नीचे है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, राइट? क्या यहां तक बात समझ में आ गया आप सभी को? इज इट क्लियर अप टू हियर? नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जस्ट 5 मिनट्स और लूंगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री आज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लास्ट टॉपिक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज ए लाइन अलॉन्ग विच द मॉलिक्यूल कैन बी रोटेटेड अलॉन्ग बाय 360 बाय एंड देयर फॉर प्रोड्यूसिंग इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर। इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सपोज मान लिया हम लोग इस तरह से एक कंपाउंड लेते हैं,
एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसी एक्सिस होती है जिसके अलॉन्ग अगर कंपाउंड को रोटेट करें तो सेम इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल मिलने चाहिए। जैसे अगर हम देखें 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन का, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन को अगर 180 डिग्री पर रोटेट कर दोगे तो क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे? सेम कंपाउंड मिलेगा ना, 180 डिग्री पर ऐसा रोटेट कर दिया, 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। Cl तो Cl है, कोई भी Cl हो इनडिस्टिंग्विशेबल बन जाएगा। अब इससे बताइए मुझे, अगर इस मॉलिक्यूल को आप 360 डिग्री पर रोटेट करें तो कितनी बार सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिलेगा? अगर आप इस कंपाउंड को 360 पर रोटेट करें तो दो बार आइडेंटिकल मिलेगा। तो इसको इस कंपाउंड के अंदर बोलेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इस कंपाउंड के अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, ये 2 कहां से निकाला? थीटा इज इक्वल टू 360 बाई 180, क्योंकि 180 पर रोटेट करने पर सेम मिला। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, सॉरी एन की वैल्यू होगी आपकी 2। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और भी सिंपल देखते हैं, BCl3 मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखें, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसी एक्सिस है जिसके अलॉन्ग आप रोटेट करने पे सेम मिल जाए आपको? सपोज मान लें एक्स वाई प्लेन में अगर वर्टिकल इस तरह से हम लोग एक्सिस मान लें, सपोज दिस कंपाउंड इज इन एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स वाई प्लेन है क्योंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता है एक्स वाई प्लेन। तो क्या जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक एक्सिस ले लें हम लोग, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसा परपेंडिकुलर, जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक ऐसी एक्सिस ले लें, तो क्या इस कंपाउंड को 360 पर रोटेट करने पे कितनी बार सेम मिलेगा आइडेंटिकल इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल मिलेंगे? जेड एक्सिस के अलॉन्ग एक्सिस लिया है, 3, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360/120 पर रोटेट करना पड़ेगा ऐसा। यहाँ पे हमने सपोज मॉलिक्यूल इस तरह से, तो हमने एक्सिस परपेंडिकुलर लिया है तो ऐसा रोटेट करेंगे 1, 2, 3 टाइम्स आपके सेम आएंगे तो 360/120। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, 3। दैट मींस हम लोग बोलेंगे कि BCl3 मॉलिक्यूल के अंदर C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मतलब एक ऐसा एक्सिस जिसके अलॉन्ग हम लोग रोटेट करने पे इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर मिले। क्या BCl3 के अलॉन्ग, BCl3 में कोई और भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कोई और भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप फाइंड आउट कर सकते हैं? बताइए कोई और एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिसके अलॉन्ग रोटेट करने पे इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर मिले? अगर इस प्लेन में मान लें, सपोज मान लिया मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग ही एक ऐसा एक्सिस मान लें जो प्लेन के अंदर है, तो इसको ऐसा रोटेट करेंगे तो सेम मिलेगा ना? बात समझ आ रही? पहले कैसा रोटेट कर रहे थे, इस तरह से ऊपर से रोटेट कर रहे थे ऐसा, सपोज मान लिया मॉलिक्यूल ऐसा प्लेन में तो इस तरह से रोटेट कर रहे थे, अभी कैसा रोटेट कर रहे हैं, इस तरह से। बात समझ आ रहे हैं नहीं, क्लियर? तो इस तरह से अगर रोटेट करेंगे तो इस 180 डिग्री पर रोटेट करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो सी एन होगा इसको कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे, सी टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट? तो BCl3 में हाउ मेनी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर देयर? हाउ मेनी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर देयर इन BCl3? 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AOS एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 1 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और कोई पॉसिबल है? नहीं, एक ही है जो परपेंडिकुलर होगा। सपोज मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन में तो उसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस के अलॉन्ग 3 टाइम्स रोटेट करने पे 360 रोटेट करने पे 3 टाइम्स आइडेंटिकल मॉलिक्यूल आएगा। तो BCl3 के अलॉन्ग BCl3 मॉलिक्यूल में कौन कौन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 1 C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर इस मॉलिक्यूल का ऐसा रोटेट करेंगे तो सेम मिलेगा या नहीं, बताइए? ये Cl इधर पहुंच जाएगा, होगा ना? और इस तरह से 1, 2, 3 C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगा। क्या इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही है?
BCl3 में 3C2 1C3 एक्सिस ऑसिमेट्री है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, ये डिफरेंट है। बात समझ में आ रहा है क्या? राइट अगर हम लोग इस तरह से बोले, क्या इस कंपाउंड में बता सकते हैं आप हाउ मेनी C2 एक्सिस एंड हाउ मेनी C3 एक्सिस ऑसिमेट्री आर देयर? ये क्वेश्चन है सम ऑफ C2, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सम ऑफ C2 एंड C3 एक्सिस ऑसिमेट्री। तो C3 तो परपेंडिकुलर होगा, C3 कौन सा होगा जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा? ऐसा सपोज मॉलिक्यूल XY में है तो Z एक्सिस के लॉन्ग C3 एक्सिस ऑसिमेट्री होगा जो 1 होगा। और C2 एक्सिस ऑसिमेट्री कितने होंगे बताइए? C2 जो प्लेन में होंगे, C2 प्लेन में होगा 3 होंगे, 1, 2, 3। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 4 आएगा। इसका मतलब सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया C2 एक्सिस ऑसिमेट्री और C3 एक्सिस ऑसिमेट्री क्या होता है। एक्सिस ऑसिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा एक्सिस जिसके अलॉन्ग मॉलिक्यूल को रोटेट करने पे इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल मिले, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑसिमेट्री। अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है, लास्ट जस्ट 2 मिनट्स और लूंगा, अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे एक्सिस ऑसिमेट्री क्या होगी? जैसे CO2 की अगर हम बात करें, CO2 लीनियर मॉलिक्यूल, तो एक्सिस ऑसिमेट्री क्या होगी? अगर ये वाली एक्सिस मान लें हम लोग, जिस मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लें, तो एक्सिस ऑसिमेट्री एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे बताइए? एन की वैल्यू क्या होगी? मॉलिक्यूल को रोटेट कीजिए कितनी बार सेम आएगा? यस वेरी गुड, सी इन्फिनिटी एक्सिस ऑसिमेट्री है, क्योंकि कितने भी एंगल पर रोटेट कीजिए सेम ही मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो कितना भी एंगल रोटेट कीजिए इनडिस्टिंग्विशेबल मिलेगा। तो सी इन्फिनिटी एक्सिस ऑसिमेट्री है। एक और एक्सिस ऑसिमेट्री है ये वाली, इस एक्सिस में एम की वैल्यू क्या है? 360 पर रोटेट कीजिए, बताइए कितनी बार सेम आएगा? यस वेरी गुड, C2। इसका मतलब CO2 में 1 C2 एक्सिस ऑसिमेट्री है एंड सी इन्फिनिटी एक्सिस ऑसिमेट्री है। जिस एक्सिस के लॉन्ग मॉलिक्यूल है उस एक्सिस के लॉन्ग इन्फिनिटी, हाँ सपोज मान ले CO2, देखो CO2 सपोज एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसा रोटेट कीजिए कितनी बार सेम आएगा? मतलब थोड़ा सा भी रोटेट किया एंगल तो सेम ही मिलेगा ना। तो 0 से लेके 1 डिग्री पर रोटेट, मान लिया ऐसे 1 डिग्री पर रोटेट किया सेम मिला, 2 डिग्री पर भी सेम मिला, 3 डिग्री पर भी सेम मिला, 3.5 पे भी सेम मिलेगा, 3.005 पे भी सेम मिलेगा। मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसा रोटेट कीजिए कितनी बार सेम मिलेगा? वीडियो दिखाई दे रहा है? इन्फिनिटी, हर एंगल पे सेम मिलेगा। इसका मतलब क्या है? सी इन्फिनिटी एक्सिस ऑसिमेट्री है। ये सी इन्फिनिटी है और ये C2 है, क्योंकि इसको 360 पर रोटेट करेंगे तो सेम मिलेगा, 180 पे सेम, फिर 180 पे सेम। बात समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप सभी को मैं नोट्स सेंड कर दूंगा, आप सभी को रिवाइज करना। C2 वाली भी इन्फिनिटी होगी। C2 इन्फिनिटी कैसे होगी? सर, पूरी एक प्लेन से इनफाइनाइट C2 बना सकते ना, YZ प्लेन से। अगर ऐसे करोगे आप तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो कम आ रहा है एंगल, और यहाँ पे एंगल इस साइड में एंगल ज्यादा आ रहा है, इनफिनिटी नहीं होगा। नहीं नहीं सर, YZ प्लेन में, ये तो XY प्लेन हो गया। YZ प्लेन में ऐसा बोल रहे हो? हाँ, इस प्लेन में तो काफी सारी हो जाएंगे। YZ मैंने ये वाले प्लेन की बात किया है, इस प्लेन में, तो इस प्लेन में एक ही आएगा ना, राइट? हाँ, इस प्लेन में, समझा। XY प्लेन में एक ही आया, और ये आपका सी इन्फिनिटी हो गया, राइट? हर एंगल पे सेम आएगा, थोड़ा सा भी रोटेट करोगे सेम आएगा। मतलब देखो, अगर नहीं समझ में आया, मान लिया एक सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है, और सिलेंडर को ये एक्सिस के लॉन्ग बताइए 360 पर रोटेट करने पे कितनी बार सेम आएगा? सिलेंडर रोटेट कर रहे हैं 360 पर रोटेट करने पर, इनफाइनाइट। यस, आप समझ में आ गया? सिलेंडर है, सिलेंडर को रोटेट करते जाइए, क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कितना एंगल रोटेट किया? मान लिया ऐसे आँख बंद करके रोटेट कर दिया और फिर बुला के पूछा क्या ये रोटेट किया, समझ में आ जाएगा आपको? नहीं, पहचान नहीं पाएंगे आप। बात समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। yes, रोटेट कर दिया, नहीं पहचान पाएंगे आप। तो ऐसा ही CO2 क्या है? CO2 आपका सिलेंडर टाइप का है, सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल है ऐसा,
तो इसको किसी भी एंगल पर रोटेट करेंगे, 0 से 360 के बीच में इनफाइनाइट एंगल्स बनेंगे जिसपे सेम आपको इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल मिलेगा. सो इट हैज वन सी इनफिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री अलोंग इट्स ओन एक्सिस, अलोंग इट्स ओन एक्सिस एंड सी टू परपेंडिकुलर टू इट, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर यू. सी इन द नेक्स्ट क्लास. गुड बाय.